बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव और अखिलेश यादव के बीजेपी के 400 सीट जीतने पर संविधान खत्म करने के आरोप के सवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि आज पीएम मोदी ने पूरी दुनिया में भारत को अग्रणी राष्ट्र बनाया है। जिस दिन 400 के पार होंगे भारत विश्वगुरु बनेगा। यही नरेंद्र मोदी और देश का सपना है। देश जितना मजबूत होगा उतना नरेंद्र मोदी मजबूत होंगे, उतना देश के बाहर दुनिया में भारत की विश्वगुरु की ओर अग्रसर होगा। और इसके साथ गिरिराज सिंह ने कहा, कांग्रेस के वन नेशन वन इलेक्शन को संघीय ढांचा के विरोध में बताने पर हमला बोलते हुए कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान बनाया था तो 1962 तक देश के विपरीत ही काम हुआ था। कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। आज 303 सीट जब आया तो नरेंद्र मोदी ने पूरे दुनिया में भारत को अग्रणी राष्ट्र बनाया। जिस दिन 400 के पार होंगे तो भारत विश्व गुरु बनेगा। यही नरेंद्र मोदी और देश का सपना है। देश जितना मजबूत होगा उतना नरेंद्र मोदी मजबूत होंगे और उतना देश के बाहर दुनिया में भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर होगा। लालू जी नरेंद्र मोदी परिवारवादी नहीं है। अखिलेश जी नरेंद्र मोदी राष्ट्रवादी है। राष्ट्र के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए मरते हैं।